आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। उसके लिए हमने छिलके वाली मूंग की दाल ली है और उसे हमने 6 से 7 घंटे के लिए पहले भिगो कर रखा था। और 6 से 7 घंटे होने के बाद हमने उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, जिससे कि सारे जितने छिलके निकलना होते हैं मूंग की दाल के उतने सारे छिलके निकाल दिए हैं। और अब हम इसे मिक्सर के हेल्प से पीसेंगे। ये मूंग की दाल को हमने अच्छे से मूंग की दाल को हमने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। और अब हमें इसे आधे घंटे तक कंटिन्यू एक ही साइड से इसे अच्छे से फेंटते रहना है। और फेंटने के साथ साथ हमें इसमें एक चुटकी या एक पिंच के अकॉर्डिंग हमें इसमें खाने का सोडा डालना है। और आधे घंटे तक इसमें हम ये एक पिंच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। बेकिंग सोडा डाल अब हमारे जो भल्ले हैं दही दही बड़े के जो बड़े हैं उनको हम तलेंगे। आप देख सकते हैं वो मन से ही थोड़ा सा डीप फ्राई होने के बाद मन से ऊपर आ रहे हैं। पानी को गर्म करने रखा है, उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद अब हम इसमें अपने जो भल्ले हैं दही बड़े के जो बड़े हैं उनको डालेंगे। दस मिनट तक इनको पानी में ही रहने देंगे। 10 मिनट तक इनको यूं ही पानी में रहने देंगे। और अब हम यहाँ पर दही को तैयार कर रहे हैं। दही में हमने थोड़ी सी शक्कर डाली है, आपके अकॉर्डिंग आपको जितना मीठा चाहिए दही उतनी शक्कर डालें और उसे अच्छे से फेंट लें। हमारा दही तैयार हो चुका है। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने इसमें इमली को आधे घंटे पहले भिगो कर रखा था, उसमें थोड़ा सा गुड़ और इमली डाली थी। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मसक लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे छान लेंगे। तैयार हो चुकी है। अब हम बड़ों को दही में डालेंगे। उसके लिए हम पहले इसमें से जो पानी है उसको दबा कर निकाल लेंगे और उसके बाद उसको दही में डालेंगे। इसी तरह हम सारे बड़ों को करेंगे। आपको जितने खाना उसके अकॉर्डिंग आप उनको दही में डाल सकते हैं।